हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? तो यहाँ देखिए, आज हमारे घर कौन आए हैं? तो ये हैं हमारी ठकुराइन दीदी, जो आए हैं आज हमारे नवरत्न में हाथ पांव के नखून काटने के लिए। तो फ्रेंड, ये दीदी हमारे गांव की नहीं है, दूसरे गांव से आती है, लेकिन त्यौहार जब जब त्यौहार आते हैं तब तक हमारे हाथ पांव में नखून काटने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये ठकुराइन दीदी है, हम सबके नाखून काटेंगे, हाथ के और पांव के और आलता से। फिर उसके बाद हाथ पांव सभी को रंग कर, और फिर बदले में दीदी को कुछ, तो बदले में फ्रेंड हम लोग ठकुराइन दीदी को कुछ देते हैं। पैसा हो तो पैसा, नहीं तो अनाज दिला जाते हैं। अनाज में दाल चावल कुछ भी जो भी हो दीदी को दिला जाते हैं। तो यहाँ दीदी देखिए, हमारे हाथ पांव के नाखून काट चुके हैं और आलता से पांव को भर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, मेरा छोटा वाला लड़का तार, लाइट वाला जो तार है उसे सब ठीक ठाक कर रहा है फ्रेंड, क्योंकि जो तार आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे तैसे जिधर तिधर पहले लटका दिया गया था, अब लेकिन घर मरम्मत हो चुकी है तो तार को ठीक ठाक किया जा रहा है। और यहाँ देखिए, मेरे सभी घर पूरा एकदम फाइनल हो गए हैं। आंगन जो है वो सब टोटल एकदम सभी घर अच्छे, अब सिर्फ पेंट करना बाकी है। तो जब भी समय मिले फ्रेंड, पेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं, क्योंकि कोई काम धीरे धीरे होता है, एक बैग सारा काम नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड अभी तो यही बस हो रहा है। और इधर किचन रूम, यहाँ देखिए सारे घर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और अब सिर्फ पेंट बाकी है। आदर्श को देख ही रहे हैं, यहाँ लाइट में जोड़ रहा है तार, जो जिधर तिधर था तार उसे हटा रहा है। तो फ्रेंड आप लोग तो देख ही रहे कितना मेहनत से घर हमारे बने हैं। यहाँ देखिए, माँ जी मेरे चावल चुन रही है, बना रही है, और उसे फटक उतक कर उस तसले में रखेगी। और इसके बाद फ्रेंड हमारे प्रतिदिन का जो खर्च होता है चावल का, इसलिए ये हम लोग डेली नहीं फटकते हैं, बस दो चार पाँच दिन का थोड़ा थोड़ा चावल लेकर एक साथ बना देते हैं। और ये आदर्श देखिए बीट लाया है, और इसी से पूरे वायर को दीवार में चिपका रहा है फ्रेंड, ताकि जो वायर है इधर उधर लटके नहीं और सुंदर लगे। देखिए वहाँ इस तरह से ये वायर को दीवार में ही चिपका के रख दे रहा है, ये देखिए, ताकि वायर अच्छे तरह से चिपक जाए। और यहाँ मैं आप लोगों को, जब मेरे पूरे घर अच्छी तरह से कंप्लीट, अभी काम तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी थोड़ा बहुत और बाकी है। वो जो बच्चे हैं वो देखिए कितना ईमानदारी दिखा रहा है। और यहाँ देखिए, इन लोग इंजल को परेशान करने के लिए देख रहे हैं ना, बच्चे सब इंजल को परेशान करने के लिए। और अभी बाहर से ये देखिए, खिड़कियों की मरम्मत करानी है, ये अभी बाहर से अभी बाकी है। और वहाँ ये देखिए, इधर बहुत गर्मी है, काफ़ी गर्मी लग गई है, और मौसम भी बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा हल्का हल्का बादल जैसा है, लग रहा है कि बारिश आ रहा, और लेकिन अंदर से इतना गर्मी बनाया हुआ है कि पूछिए मत, काफ़ी गर्मी है फ्रेंड। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है गर्मी, लेकिन क्या करिएगा, प्रकृति की देन है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रेंड देख, हाँ तो फ्रेंड आज मेरा रेसिपी में रहेगा, देखिए शाम का समय है और नाश्ता में बनाना है मुझे। आज मैं नाश्ता में बनाने जा रही हूँ हलवा। तो यहाँ देखिए, मैंने एक कटोरी में ये मेरे घर में जो मिठाई बने थे उसके चाशनी निकले, तो मैंने आग में बनाकर इस चाशनी को थोड़ा कड़ा कर दी। और ये कड़ा हो जाने के बाद ख़राब नहीं होता फ्रेंड, जब तक आप चाहे इसे रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चाशनी को गर्म करके आग में, और उसके बाद इसे थोड़ा कड़ा बनाई और इसे रख ली थी। ये फिर
फिर इसके बाद देखिए मुझे हलवा जो बनाने हैं उस हलवे में मैं चीनी के जगह इसे ही डालूंगी, क्योंकि ये चीनी का ही चाशनी है और खाने में टेस्टी ही लगेगा, इसका स्वाद भी अच्छा आएगा फ्रेंड। तो हम लोग इसे इस चाशनी को फेंके नहीं थे, वापस इसे गर्म करके और फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खाने में अच्छा लगता है। आप अगर आप लोग के घर में ऐसा चीनी के चाशनी बन जाते हैं तो फ्रेंड आप लोग फेंका मत किया करिए, उसका उपयोग किया करिए। एक बार उसे आग में गर्म करके उस चाशनी को थोड़ा कड़क बनाइए और उसे डब्बे में बंद करके रख ले। तो यहाँ मैं हलवे में घी डाल दी हूँ फ्रेंड, और घी डालने के बाद देखिए मेरा ये हलवा अब जब भूंज भांज के इसे अच्छी तरह से तल लूँगी तो हल्का सूजी ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब इसमें मैं पानी और चाशनी को डालकर एक साथ पकाऊंगी और इसके बाद फिर उतार दूंगी। तो हलवे में फ्रेंड मैंने देखे लौंग इलायची और तेज़पत्ता डाल रखी है, और ताकि इसका जब भी हलवा कोई खाए तो खुशबू ज़्यादा अच्छा आता है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है फ्रेंड। इस तरह से ये मेरा हलवा अब तैयार हो जाएगा, और यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा हलवा अब तैयार ही होने वाला है। कढ़ाही में मैं पानी उनी डाल दूंगी और ये देखिए यहाँ देखिए फ्रेंड मेरा ये देखिए मैंने कढ़ाही में पानी और चाशनी को डालकर पूरे एकदम उसे अच्छी तरह से पका रही हूँ, और जब पक कर कढ़ाही के पानी जब सूख जाने पानी पूरा अच्छी तरह से सूख जाएगा तो मेरा ये हलवा तैयार हो जाएगा फ्रेंड। तो आप लोग भी आइए मेरे चाशनी के हलवे खाने के लिए, और आप लोग ये खा कर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि मेरा ये हलवा कैसा रहा। हो जाएगा तो फ्रेंड आज का शाम का नाश्ता में हमारे को आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिएगा, हलवा जो नए दोस्त आ रहे हैं उन्हें आप लोग भी आ जाइएगा। हाँ, जोड़ के उनसे विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। तो अब मैं चल रही हूँ, थैंक यू, टेक केयर, बाय।